नमस्कार, स्वागत एक और वीडियो में आप सभी का। वीडियो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में यदि आपने पीजी के लिए किया है अप्लाई तो आपके लिए अच्छी खबर है, और यदि आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो भी एक अपडेट है। तो क्या है अपडेट, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और वीडियो सुनने समझने देखने के उपरांत मन में कोई शंका हो, सवाल हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। लाइक शेयर कमेंट जो करना है अपनी बुद्धि समझ विवेक के अनुसार कीजिएगा। वीडियो में पहली सूचना है पीजी के बच्चों के लिए। ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने पीजी यानी कि परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रवेश परीक्षा दी थी, उन सभी प्रवेश परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम आ चुका है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। जाइए अपना परीक्षा परिणाम चेक कर लीजिए। यह था पहला अपडेट। इस सूचना को आप प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे आपका रिजल्ट आया है कि नहीं, मैं लिंक आपको दे दूंगा अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। वहां आपसे आपका रोल नंबर मांगेगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ठीक, और नीचे एंटर कर दीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि फिर भी कोई समस्या हो रही हो रिजल्ट को देखने में या खोज नहीं पा रहे हो तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी जो भी है मुझे भेज दीजिएगा, या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहें तो मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। यदि आपको इच्छा है तो अपना ये रिजल्ट आप देख लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पीजी का रिजल्ट आ गया है। एमएड के बच्चों के लिए भी एक सूचना है कि आपको अपने कॉलेज का चयन करना है, ठीक है, एमएड के बच्चों के लिए, लेकिन डेट उसकी निकल चुकी है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी, लेकिन उसके अलावा यदि कोई डेट एक्सटेंड होती है तो सूचना आपको मिल जाएगी। यह थी पीजी की सूचना। पीएचडी के बच्चों के लिए एक सूचना ये भी है। सवाल आ रहे थे कि 5 अक्टूबर को 30 सितंबर को शायद होनी थी प्रवेश परीक्षा, या 5 अक्टूबर को जो कि नहीं हुई अभी तक, उसको लेकर कुछ अपडेट आए हैं। यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है, यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि 6 नवंबर तक तो प्रवेश परीक्षा नहीं होने वाली, 6 यानी कि दिवाली तक तो प्रवेश परीक्षा नहीं होने वाली विश्वविद्यालय की, पीएचडी गोरखपुर विश्वविद्यालय की, यानी कि पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने पीएचडी के लिए किया था अप्लाई, ठीक। तो लगभग आपके पास 2 हफ्ते का और समय मिल गया है, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कीजिए आराम से। यह थी सूचना। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको लिखा होगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट विल बी डिक्लेयर्ड सून। डेट इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि यूजीसी नेट ने अपनी परीक्षाओं को इसीलिए पोस्टपोन किया है, कई कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन नई डेट नहीं दी है। वही काम डीडीयूजी विश्वविद्यालय ने भी किया है कि डेट एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, हाँ दिवाली के बाद होगी इतना कह दिया है। दिवाली के बाद तो छठ भी आती है, बड़ा पर्व है, तो दिवाली मान लीजिए, छठ मान, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 5 नवंबर तक तो परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं, तो आपके पास 2 हफ्ते का समय और मिला है, तैयारी कीजिए प्रवेश परीक्षाओं की। और ये था पीएचडी का अपडेट। पीजी का अपडेट आपको बता दिया, एमएड का भी बता दिया। इन तीन अपडेट आपको कैसे लगे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके पास कोई सूचना हो मेरे लायक उसको शेयर कर दीजिएगा, मेरे से कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिए, किसी और विश्वविद्यालय के अपडेट के साथ आपके सामने पुनः रहेंगे। कैमरे पर मुझे देखने सुनने वालों को सभी को मेरा तहे दिल से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। और क्या बोलते हैं, संविधान बोल दें, मानते तो है नहीं संविधान को, लेकिन संविधान तो जीवित है, जीवित रहेगा और जिंदाबाद भी रहेगा। जय संविधान।